एवं राजवत हो जाती। युग जोड़ी के द्वारा हमें प्रदान किया गया सम्मान की 16 विधियां जो हुआ करती है, संपूर्ण विधियों के द्वारा हमारा स्वागत सम्मान श्री राम और जानकी के द्वारा किया गया। तो हे राघव, ये जोड़ी देख करके अपार प्रसन्नता हुई। हर दिन हो सोने सा उज्जवल, रातें हो चांद सितारों सी, जीवन में खुशियां बनी रहे वही गंगा की धारों से। राजकुमार, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। जय हो भगवान। आयस होए सुखरी गुसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई, क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। धूप सजे अभिषेक सबाजू, चाहत तुम्हें देनी अब राजू। राजकुमार, श्री महाराज का मंत्रियों सहित एक विचार हुआ, और विचार हुआ क्या कि अब अयोध्या राज संचालन का कार्य श्री राम के हाथों में सौंप दिया जाए। महाराज दशरथ हमारे समीप गए, हमें अपना विचार सुनाया, हमें भी प्रसन्नता हुई, हमने भी अपना मत राजपद के साथ प्रदान किया। अब राजकुमार राम कल प्रभात काल होते ही भगवान भास्कर की प्रथम कर जैसे ही मस्ता पर आएगी, तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर अयोध्या का भावी नरेश बना करके आसीन कर दिया जाएगा। इसलिए राम राम करो सब संयम आजू, जय हो जय बिन कुशल निवाही काजू। कुछ संयम और नियमों का पालन तुम्हें करना है। हर अयोध्या में जब तुम्हारे वंश में कोई भावी नरेश राजा बनाया जाता है, तो राज देने की पूर्व संध्या पर स्वयं गुरु को जाकर के भावी नरेश को कुछ उपदेश देना होता है, कुछ नीतियां बतानी होती हैं। तो उन्हीं नीतियों के अंतर्गत हे राम, आज मैं तुम्हारे समीप आया। करना क्या है, संयम नियम का पालन करना है, और जब अयोध्या के राज सिंहासन पर तुम आसीन हो जाओगे, तो जिस तरह से रघुवंश का यह राज संचालन हुआ करता है, वह राज संचालन तुम्हारे द्वारा किया जाए। अपितु मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, लेकिन संसार के और राजाओं को बताना चाहता हूं। राज संचालन में हमेशा 18 व्यक्ति प्रमुख हुआ करते हैं। सुनो, 18 व्यक्ति हैं जिनका है संबंध राजाओं का, इन्हीं से चलता राज प्रबंध। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोईया, अभिभावक, गुरु राजा क्या कहने वाला, और मंत्री बैत महलवाली ड्योढ़ी पर रहने वाला है, यही 18 राज अंग। इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे, पर इन पर पूरा अधिकार रखे राजा। राम, ये 18 अंग सदैव राजा की मुट्ठी में होना चाहिए, और इन पर पैनी नजर भोपाल की होना चाहिए। ये राम, एक दुर्गुण और मनीषियों के द्वारा देखा गया है, जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो जाता है, तो अच्छाइयों के साथ साथ कुछ में कुछ दुर्गुण आना भी प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे राजाओं में बहुधा हुआ करते हैं 14 दोष जो नष्ट किया करते हैं, धन, सेना और दोष, अभिमान, झूठ, क्रोध, आलस, अज्ञान, अनीत, नास्तिक पद, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हट धर्मी पद, मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14 का विनाश भोग, मदरा आदि का सेवन करना, इन दोषों से सर्वथा बचता रहे नरेश, तो उस राजा के राज को माने सारा दे। इसलिए राम, अपने कुल देवता का आराधन करो,
भगवान गणेश का स्मरण करो, भूमि पर शयन करना है। कल प्रभात काल तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा राजकुमार। जय गुरु सिख दे बह गया राह गए भय कैसा विस्मय हुआ, कैसी चिंता हुई? माँ बाप के आदेश को सुनकर, गुरु भगवान के आदेश को सुनकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। माँ पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार करिए शुभ जाने। सदैव से राम ने इस सिद्धांत का पालन किया, लेकिन आज पहली बार गुरु भगवान के आदेश को सुनकर राम के हृदय में बहुत बड़ी चिंता ने जन्म ले लिया। अब ये चिंता केवल अपने भैया के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, मैं किसी से नहीं कहना चाहता। आखिर बात क्या है, केवल भैया लक्ष्मण के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, भैया की प्रतीक्षा करता हूं। हमें तीन तीन आनंदों की अनुभूति हो रही है, संकेत भी मिल रहा है। तई अवसर आए लखन प्रेम मगन आनंद, मगन भी हो रहे हैं हमारे अंदर, आज प्रेम भी झलक रहा है और आज हमें आनंदों की अनुभूति भी हो रही है। या क्यों कहते हैं कि आज हमें इतनी प्रसन्नता है कि हम स्वयं में अनुभव नहीं कर पा रहे कि आज हमें कितनी प्रसन्नता है। हां इतना तो कह सकता हूं, एक निर्धन व्यक्ति हो और उसे कुबेर का खजाना मिल जाए तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी, तो आज उसे भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी उतनी आज हमें प्रसन्नता है। प्रसन्नता है क्यों? क्योंकि हमें बताया गया प्रातः काल होते ही हमारे भैया राजा बन जाएंगे। जब हमारे भैया राजा बन जाएंगे तो इस नगर में राम राज आ जाएगा, धन दान की कमी नहीं रहेगी, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। तो हम देखना चाहेंगे कि कितने लोग चाहते हैं कि राम राजा बन जाए, हमारे नगर में राम राज आ जाए, हमारे नगर में धन धान की कमी ना रहे। अब पता कैसे चलेगा? जो हाथ उठा करके राजा रामचंद्र की जय बोल दे तो हम समझ जाएंगे सभी चाहते हैं राम राजा बन जाए, हमारे नगर में राम राज आ जाए, कोई व्यक्ति दुखी ना रहे, हमारे नगर में धन धान की कमी ना रहे। तो चलो उठाओ एक बार हाथ और बोलो राजा रामचंद्र की। भाई सभी को प्रसन्नता है, हम तो सोच रहे थे कि हमारे भैया हमी को प्रसन्नता है, लेकिन सभी को प्रसन्नता है, सभी चाहते हैं कि हमारे नगर में राम राज आ जाए। चलो चलकर ये राज भैया से ही पूछते हैं कि आप राजा बनने जा रहे हैं, लेकिन हम जा तो रहे हैं, हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, हम अपने आराध्य के पास जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो हमें नहीं, आप सबको भी अगर तीन जगह जाओ तो खाली हाथ मत जाना। अपनी बेटी के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, अपने आराध्य के पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ,
राम कथा सुनने जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ। ये जरूरी नहीं कि धन और दौलत लेकर जाओ, भाव लेकर जाओ, पुष्प लेकर जाओ, क्योंकि एक भाव है। यदि कुछ लेकर जाओगे तो कुछ लेकर, यदि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। अब हमें विचार करना है कि हमारे भैया को प्रिय है क्या। याद आया राम ही केवल प्रेम किया, तो चलो प्रेम लेकर के चलते हैं अपने भैया के पास। यद्यपि लोगों में एक भ्रांति है, एक भ्रांति कि लक्ष्मण का स्वभाव झगड़ालू स्वभाव है, जबकि ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठी बात है, बिल्कुल मिथ्या। लक्ष्मण का स्वभाव झगड़ालू नहीं है, लक्ष्मण तो हमारा सदैव हंसता ही रहता है। पहले हंसता है फिर बोलता है, पहले हंसता जलता है, लेकिन आज आज हमारे लक्ष्मण के मुखमंडल पर जो मुस्कान झलक रही है, इधर देखो, आज हमारे मुखमंडल पर जो मुस्कान झलक रही है, प्रसन्नता के चिन्ह चिन्हित है लक्ष्मण। मैंने आज तक इतना तुम्हें प्रसन्न नहीं देखा। आज जो प्रसन्नता है लक्ष्मण, हमें लग रहा है इसमें कोई राज है, कोई विशेष कारण है। बात क्या है लक्ष्मण, मैं जानना चाहता हूं इस प्रसन्नता का कारण क्या है। आदरणीय प्रभु, आप हमारी प्रसन्नता का कारण जानना चाहते हैं। जब हम सखाओं के साथ खेल रहे थे तो एक सखा दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कुमार लक्ष्मण, अभी तक तुम अयोध्या के राजकुमार थे, अब तुम राजा के भाई बनने जा रहे हो। जैसे ही भैया मैंने सुना तो हम इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि हमें ये पता नहीं चला कि हमारे महल कब आ गए। फिर हमने विचार किया कि हम अपने आराध्य के पास जा रहे हैं, हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो भैया हम आपके पास प्रेम लेकर के आ गए। अब रही आनंद की बात, तो आप आनंद को देने वाले हैं। जैसे ही भैया मैंने आपके दर्शन किए तो हम आनंदमय हो गए। क्या भैया आप राजा बनने जा रहे हो? बस हमें इसी बात की प्रसन्नता है भैया। सही बताओ, बिल्कुल सत्य। एक बार लक्ष्मण के नाम की ताली बजाए, अच्छी बात है, अच्छा लगा। ये हम चारों भाइयों का भ्रातत्व है, ये हम चारों भाइयों का स्नेह है। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं ऐसा ही भ्रातत्व, ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही प्रेम दुनिया के हर भाइयों में होना चाहिए। सबसे पहले तो बड़े भाग्यशाली हैं वो जिन्हें विधाता ने भाई दिए, बड़े भाग्यशाली हैं। और उनसे भाग्यशाली हैं वो जिन्हें विधाता ने भाई तो दिए, भाई देने के साथ साथ भाइयों भाइयों में प्रेम की बरसात हो रही। उनसे अभागे हैं वो जिन्हें विधाता ने भाई नहीं दिए, और उनसे भी अभागे हैं वो, विधाता ने भाई तो दिए पर भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है, तकरार है, बड़े अभागे हैं। मेरे अवतार कैसे रहते होंगे एक ही छत के नीचे वो भाई जिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है, दुश्मनी बनी। भाइयों के साथ जितना भी हो सके त्याग करना चाहिए, त्याग प्रेम छल या कपट नहीं करना चाहिए। न भी बुला दो, ये हमारे बड़े भैया कहाँ हैं, ये बहुत चाली है। लक्ष्मण तो चाली है ही है, ये और चाली है। लक्ष्मण बड़ा अच्छा लगा। आदरणीय प्रभु, मैं दुनिया वालों को यही संदेश दूंगा, जैसा भ्रातत्व तो हमारे घर में देखने को मिल रहा है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। भाइयों भाइयों में स्नेह, भाइयों भाइयों में प्रेम, और ये चालकम नहीं होना चाहिए।
सुनो, मैं ऐसा हूं और हमारे भाई भी ऐसे, ये विश्वास से भी ज्यादा हमें होता है, चोट लगे तुझको
तो दर्द हमें होता है। जय हो आंख तेरे झलके तो मन ये मेरा। जिस बात को लेकर तुम प्रसन्न हो उसी बात को लेकर हम दुखी हैं। मैं ये चाहता हूँ ये मेरा दुख दूर मात्र तुम कर सकते हो। कैसे भैया? करना क्या पड़ेगा? मैं चाहता हूँ जो पद हमें सौंपा जा रहा है वो पद मेरे भैया क्या मिलता है? 100-150 रुपया लगे आदत। हमारे भैया ने कह दिया कि कुमार लक्ष्मण राजा बनने में हमें कष्ट हो रहा है। कुमार लक्ष्मण राजा तुम बन जाओ भैया। ये तो आपका छोटों पर प्रेम है, लगाव है, ममता है, केवल छोटों पर। जैसे कि भैया रघुकुल कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाता। आप रघुकुल रूपी झंडा है और लक्ष्मण रघुकुल रूपी डंडा है। तो डंडा कहाँ रहता सदैव नहचे और झंडा कहाँ रहता सदैव पूजा। इसलिए लक्ष्मण राम चरण रत्नानी ये तो चरणों का सेवक है। आप राजा बने हम तीनों भाई आपकी सेवा करेंगे। जब हम अयोध्या की गलियों से निकलेंगे तो सभी कहेंगे देखो राजा का छोटा भाई जा रहा है। तो भैया मैं कितनी प्रशंसा हूँ। इसलिए राजा आपने हम तीनों भाई बिल्कुल लक्ष्मण ये तुम्हारा भ्राता तो बोल रहा है आज की रात्रि तुम मेरे साथ ही विश्राम करोगे, शयन भी करोगे और कहीं नहीं जाओगे। प्रातः काल जो होगा सो देखा जाएगा एक संदेशा और दुनिया वालों के लिए। ये भाई से कभी प्यार न करना। भाई से कभी प्यार न करना, ये भाई भूल न करना। भाई से बैर कभी नहीं। भाई से कभी प्यार न करना, भाई भूल न करना। ये भाई तो
सारा के बोले बिना ये सो।